बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं ये चाट पट्टी बनाने वाली हूँ बहुत आसान तरीके से। और ये जो डोरी है सिल्वर, इसको गोल्डन डोरी जो फिरकी में अक्सर बन के डिज़ाइन बनाते हैं, और मैं आपको इसका नया तरीका बताऊँगी। ऊपर सिलाई लगाते वक्त ये किस तरह लगा, आप सीधी लगा सकते हैं इसके ऊपर ऊपर सिलाई, एक टिप ये होगी। दूसरी ये हमने चाक पट्टी बनानी है, चाहे आप घेरे पे भी लगा सकते हैं, तीन तरफ लगा सकते हैं चाकू पे, और चाहे आप गले पे लगा सकते हैं, बाजू के आगे भी इसी तरह की, ये समझ लीजिए लैस की तरह बन जाता है, लैस के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये चाक पे बहुत प्यारा लगेगा। तो ये मैं आपको बनाना बताऊँगी और ये डोरी की टिप बताऊँगी। अगर आप चाक पे पट्टी बना के लगाना चाह रही हैं तो आप अपने चाक से डबल कपड़ा लें, और डबल कपड़ा लेके तो वो इसकी चौड़ाई तकरीबन कम से कम जो है वो 3.5 या 4 होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो फालतू कपड़ा होगा वो खुद ही कटाई करके निकाल लेंगे। अगर कम हुआ तो फिर वो बहुत छोटे छोटे डिज़ाइन बनेंगे। तो ये मैंने डबल लिया, और लंबाई आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आप चाक से डबल लेंगी। ये आप कोई सा भी सख्त पेपर ले लें, गत्ता कोई ऐसा जो भी ज़्यादा सख्त ना हो, जो आसानी से ऐसे मुड़ जाए, इस तरह आप इस तरह का ये पेपर ले लें, ऐसे करके इसको आप इस तरह रखें, और इसके मुताबिक इस तरह ऐसे इसको टाइट कर लें। इस तरह टाइट करके ये जो आपका धागा होगा वो आपने इस तरह ऐसे इससे इधर इस साइड पे ऐसे कर लेना है। ऐसे करके फिर आपने सुई के सामने, मेरा सुई के सामने इसका ये ऐसे मैंने मशीन के अंदर इसको ऐसे कर लिया है इस तरह, तक ये इतना हो कि ये नीचे ना आए, ठीक है। अब इसको मैंने इस तरह लगा लिया है धागा, पहले आप डाल लें, फिर आप इस तरह ये जो दोनों साइड हैं इनके दरमियान में आपने जिस तरह ये धागा ऐसे करते हैं, इस तरह आप ये इस तरह कर लें पीछे की तरफ ऐसे। अब हमने ये जो दरमियान में इसको ऐसे डबल करके निशान बनाया है, इसके ऊपर हम ये वाली चीज़ लगाएंगे। अब ये टिप तो पूरी होगी। अब मैं आपको जो हमने पट्टी बनाई है जो डिज़ाइन वाली, उसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। अब हम ये सिलाई लगाएंगे। एक तो ये आपको टिप मिल जाएगी कि आप इसको किस तरह आसानी से लगा सकते हैं। पहले भी मैंने 2-3 इसी के मतलब बनाई हुई हैं, लेकिन ये नए तरीके से है, आसान भी है। तो आप इस तरह ऐसे लगाते जाएंगे सिलाई। बिल्कुल इसमें दरमियान में सिलाई लग रही है, ये हिलजुल नहीं रही। अब आपने इसको ऐसे और इस तरह और ऐसे, एक पंखड़ी तो आप इस तरह हाथ में ऐसे बना लें। अब आपने एक तो एक इसके बराबर आपने इस तरह ऐसे पकड़ लेना है, फिर जब आप जैसे ही ऐसे ऐसे करेंगे इस तरह, तो ये खुद बहुत बहुत अच्छे से इसकी चोंटे डाल जाएंगी। तो आपने इसे सिलाई लगाते जाना है, इस तरह ऐसे पकड़ेंगे इसके बराबर ऐसे, तो इस तरह कर लेना है। ये देखें, ये आपने इस तरह पकड़ा और ऐसे आराम से इस तरह ऐसे किया, तो ये खुद बहुत इस तरह चोंटे पड़ती जाएंगी। इस तरह ये फालतू जो होगा आप इसकी कटिंग कर लें, और अगर आप अपनी कमीज तैयार कर चुकी हैं तो उस पे आपने आप इसको ऐसे उल्टा रखें, इस तरह ऐसे उल्टा रख के, तो इसके ऊपर ऊपर जो सिलाई लगी है इधर लगा के, तो आप इसको इस तरह
अपने चाकू पे लगा सकती हैं ऐसे। लेकिन मैं आपको लहदा मसलन ये चाक पट्टी है आपकी, इस पे आपने ऐसे उल्टा रखना है ऐसे, और इस सिलाई के ऊपर ऊपर ही आप सिलाई लगाएंगी। अब सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह इस्त्री की मदद से इसको ऐसे बैठा लेना है, इस तरह बैठा के फिर अपने चाकू को ये तैयार पट्टी करके आप दुपट्टे पे भी लगा सकती हैं, अपने बाजू के आगे भी लगा सकती हैं, घेरे के नीचे सिर्फ लगा सकती हैं। इसी तरह का आपने बड़ा बड़ा डिज़ाइन बनाना है तो आप 4-3.5-4 के बजाय 6 या 7 इंच चौड़ा कपड़ा लेके और इस तरह के बड़े बड़े फूल बना के आप अपने दामन पे लगा सकती हैं। ये इस तरह आप ऐसे जोड़ के और गले की कटाई जो होती है ऐसे करके गला बनता है उस पर भी लगा सकती हैं, चाक पट्टी लंबी सी बना के उस पर भी लगा सकती हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है ये। एक तो ये आप नए तरीके से ये डोरी लगाना सीखेंगे इसमें, दूसरा ये इस तरह का डिज़ाइन ये लैस के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपके पास पट्टियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं तो आप अपने दुपट्टे पर भी लगा सकती हैं। तो दुपट्टे पे लगाने के लिए आपको थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा तो फिर ही आप दुपट्टे पे लगा सकेंगे, क्योंकि ये एक अगर एक साइड पे लगना हो तो डबल उस पर कपड़ा हो तो फिर लगेगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।